आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट थ्री हिस्ट्री ऑनर्स का। ये हम लोगों का अध्याय दो है। अध्याय दो भाग दो तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं, ये भाग तीन है। इससे पहले वाला अगर भाग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा वहाँ से भी देख सकते हैं। आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखो आप समझे रहोगे ना तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस आप नहीं प्रैक्टिस करोगे और वो आएगा एग्जाम में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने मन से लिख सकते हो। आपको टीचर समझाते भी होंगे कि कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते उसको भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में पढ़े हुए होते हैं तभी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीतियों एवं प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इनकी क्या क्या नीतियाँ थी और प्रभाव क्या था। मुख्य रूप से ये समझना कि साम्राज्यवाद समझना, यानी कि वैसी नीतियाँ जिससे इनका साम्राज्यवादी यानी कि इनका साम्राज्यवाद जो था यानी कि इनका साम्राज्य जो था वो बढ़ रहा था, वही नीतियों और प्रभावों के बारे में समझना हम लोग को। साम्राज्य मतलब इनका क्षेत्र विस्तार बढ़ रहा था। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने द्वैध शासन के बारे में पढ़ लेते कि द्वैध शासन क्या था, कैसे बंगाल में लागू हुआ, बंगाल के अलावा भी और जगहों पर कैसे लागू हुआ ये। साथ में ही लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि भी हमने देखा था कि सहायक संधि द्वारा लॉर्ड विलेजली ने क्या करा था। कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको इसने सुरक्षा प्रदान किया, कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे और उनकी सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया, और कुछ ही निर्णय उनको हाथ में छोड़ा था कि ये आप निर्णय कर सकते हैं, और मुख्य रूप से उनको कमज़ोर बनाना ये सहायक संधि का पूरा लक्ष्य था। कमज़ोर कैसे, कि सामने वाले की सुरक्षा, कि आपकी सुरक्षा हम देखेंगे। अगर कोई कहे कि आपकी सुरक्षा हम देखेंगे तो सीधी बात है कि वो व्यक्ति कमज़ोर बन रहा है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा इसीलिए सामने वाला उसको सुरक्षा देख रहा है यानी सुरक्षा करेगा। तो लॉर्ड विलेजली ने ये कहा था, आश्वासन दिया था कुछ रियासतों को कि हम आपकी आपका सुरक्षा करेंगे। जैसे उसमें हैदराबाद था, अवध था, ये सारे जो क्षेत्र थे, या ऐसा मैसूर था, ये जो बड़े सारे क्षेत्र थे, पेशवा, ये सारे जयपुर और भरतपुर, ये सारे जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि इन क्षेत्रों ने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद इंट्री देखिए, अब लॉर्ड विलेजली के बाद ये अब देखेंगे इसके बाद और कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने क्या किया, साम्राज्यवादी नीतियों को और बढ़ाया, जो साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ाने में इसके बाद जिसका योगदान था उसका देखिए क्या नाम है, लॉर्ड डलहौजी। अब ये इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये 1848 से लेकर 56 तक रहा, ठीक है। अब देखिए हम उन्हीं गवर्नर जनरल के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं जिन्होंने साम्राज्यवादी नीतियों को बहुत आगे बढ़ाने में मदद की, और उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ाने में ज़्यादा मदद नहीं किया, क्योंकि पढ़ना हमको उन्हीं के बारे में जिन्होंने साम्राज्यवाद बढ़ाने में मदद करा। तो साम्राज्यवादी लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड डलहौजी अब इसने क्या करा, इससे भी 10 कदम आगे ये निकल गया। इसने सिर्फ क्या करा था, उन रियासतों को थोड़ी सी आज़ादी इसने छीन लिया था, और आज़ादी छीनने के साथ साथ उनको थोड़ा सा लूट रहा था, यही कर रहा था। इसने क्या किया, संपूर्ण आज़ादी उनकी छीन ली। देखिए इसने एक नीति लेकर आया, इसके नीति का नाम ध्यान रखिए क्योंकि आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसने एक नीति लेकर आया जिसका नाम था व्यापगत नीति। अब व्यापगत नीति क्या थी, जिसको हड़प नीति भी कहा जाता है, हड़प नीति। ये भी एक सबसे बड़ा कारण था 1857 की युद्ध का, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था। तो आप कहेंगे अरे ये युद्ध कहाँ था, ये तो क्रांति थी। अरे युद्ध तो हो रहे थे ना, ये सारे जो क्षेत्र थे, छोटे छोटे क्षेत्र जैसे झांसी हो गया या अवध हो गया, ये सारे क्षेत्रों के जो शासक थे वो किससे युद्ध कर रहे थे, अंग्रेजों से। आपका ये गाड़ी तो बड़ा क्रांति था, बिल्कुल क्रांति तो था ही लेकिन युद्ध भी हो रहा था उसमें, ठीक। 1857 की क्रांति का एगो सबसे बड़का कारण था व्यापगत नीति, और 1857 की क्रांति में इन शासकों की भी एंट्री हो गई थी। आपको पता है ना 1857 की क्रांति में सिर्फ सैनिकों द्वारा ही विद्रोह नहीं करे गए थे, इन शासकों द्वारा भी भरपूर मदद करा जा रहा था। तो आपके मन में नहीं आएगा कि अचानक शासक इतने अंग्रेजों के प्रति इतना क्रूर क्यों हो गए, कि इतना साल से ये लड़ नहीं रहे थे और अचानक लड़ने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण था व्यापगत नीति, जिसके कारण इन क्षेत्रों के शासकों को यानी रियासतों को, विभिन्न रियासतों के शासकों को भड़काने का जो काम किया वो व्यापगत नीति किया, ठीक है। 56 में
56 के बाद 57 में हो ही गया, यहाँ तक इसका चला शासन, ध्यान रखिएगा। अब व्यापगत नीति क्या था, अगर कोई राजा या कोई शासक, किसी रियासत का कोई राजा या शासक बिना अपना उत्तराधिकारी, मतलब उसका बिना अपना उत्तराधिकारी यानी कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी, बिना उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो रियासत है उसके दत्तक पुत्र को नहीं दिया जाएगा, ये अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। अब ध्यान समझिए, इस पूरा मैटर को समझिए। अगर कोई राजा है और उसका कोई पुत्र नहीं है यानी कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई, उसी को स्वाभाविक उत्तराधिकारी कहते हैं, उसका कोई पुत्र नहीं है यानी कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उस राजा की हो गई मृत्यु, तो राजा जो है मान लो राजा ने क्या करा है, राजा का मान लो पुत्र नहीं है तो उस राजा ने पहले गोद भी ले लिया कोई बच्चे को, तो गोद लिए बच्चे को रियासत नहीं दिया जाएगा, उसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी चाहिए यानी कि उसका रियल मतलब वास्तविक पुत्र उस राजा का चाहिए, कि उस राजा का वास्तविक पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ये इस व्यापगत नीति में कहा गया। और ये व्यापगत नीति में ये भी कहा गया कि कोई भी राजा अगर ऐसा हो रहा है उसका कि कोई उसका पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता है किसी बच्चे को, गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको पता है कि प्राचीन समय से ही भारत में गोद लेने की प्रथा चली आ रही है कि कोई राजा किसी बच्चे को गोद ले लेता था अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई गोद लेता था कोई बच्चे को तो उस वो बहुत दयावान था उस राजा और वो गोद ले रहा था, नहीं, अगर गोद ले रहा था तो वो अपने उत्तराधिकारी के लिए क्या कर रहा था, राजा गोद ले रहा था। तो इसने पूरी तरीका से लॉर्ड डलहौजी ने भारत में चले आ रहे प्राचीन समय से ही जो गोद लेने की प्रथा को पूरी तरीके से बैन कर दिया कि गोद अब नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या ये पूरे भारत के राजाओं के लिए नियम बनाया था, नहीं, इसने रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा था। कौन कौन श्रेणी, इसको व्यापगत नीति को आप लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट्स बना लीजिएगा, हमने जो बोला उस नोट्स बना लीजिएगा व्यापगत नीति क्या थी। अब इसने 3 श्रेणियों में बांटा था रियासतों को इसने 3 श्रेणियों में, रियासत मतलब क्षेत्र, 3 श्रेणी में बांटा था। कौन कौन श्रेणी में बांटा था, नीचे दिखाई देगा, चलिए ऊपर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, कौन कौन श्रेणी में बांटा था। सबसे पहला जो था, सबसे पहला प्रथम श्रेणी में वो रियासतें थी जिन पर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, वे रियासतें जिन पर कभी भी अंग्रेजों का यानी कंपनी जो यहाँ पर लिखते, जो कभी भी कंपनी के अधीन नहीं थे और टैक्स भी नहीं देते थे। अब समझिए, प्रथम श्रेणी में, देखिए भारत के सारे जगहों पर थोड़े अंग्रेजों का कब्जा था, भारत के कुछ ही हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो इसमें वे रियासतें आती थी जो कभी भी कंपनी के अधीन नहीं थे या कंपनी को कभी टैक्स नहीं देते थे। जब कंपनी का अधीन नहीं वो क्षेत्र रहेगा तो टैक्स कैसे देगा, तो पहला श्रेणी में उन क्षेत्रों को रखा। दूसरे श्रेणी में किसको रखा, द्वितीय श्रेणी में उन क्षेत्रों को रखा, वे रियासतें जो पहले मुगलों के अधीन थे। अब पेशवा या मुगलों के अधीन थे तो बाद में किसके अधीन आ गए, अंग्रेजों के अधीन आ गए। तृतीय श्रेणी, अभी तीनों श्रेणियों को समझ लीजिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए आएगा। वे रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन
थे। अब तीनों को समझिए। प्रथम श्रेणी में वे रियासत जो कभी भी कंपनी के अधीन नहीं थे और ना ही कंपनी को टैक्स देते थे। तीन से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था कि ना कंपनी का अधीन थे ना कंपनी को टैक्स देते थे, तो अंग्रेज इनसे उलझना भी नहीं चाहते थे और ये लॉर्ड डलहौजी भी इनसे उलझना नहीं चाहता था। द्वितीय श्रेणी में वे रियासतें आई जो पहले मुगलों का अधीन थी या पेशवा का अधीन था, लेकिन जब मुगलों से युद्ध हुआ किसका, अंग्रेजों का, और इनसे सामना हुआ जब, तो उसके बाद सारी रियासतें किसके कंट्रोल में आ गई, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। और तृतीय श्रेणी में वे रियासतें जो अंग्रेजों का अधीन थे, अब अंग्रेजों का अधीन थे मतलब अंग्रेज इस पर शासन नहीं करते थे, जो लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को जो एक्सेप्ट किए थे ना, उनको माना गया कि ये रियासतें अंग्रेजों का अधीन है, समझ रहे हैं, जिन पर लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि जिन्होंने एक्सेप्ट करा था, जहाँ पर अब सहायक संधि एक्सेप्ट करा था मतलब वहाँ पर सारे सुरक्षाकर्मी सैनिक सब किसके रहते थे, अंग्रेजों के, तो वो अंग्रेजों का अधीन माना गया। और यहाँ पर भी उन्हीं के रहते, द्वितीय श्रेणी में भी जो पहले मुगलों के अधीन थे और बाद में अंग्रेजों का अधीन हुए, तो इन दोनों क्षेत्रों पर ये व्यापगत नीति लागू हुआ। व्यापगत नीति कहाँ लागू हुआ, इन दोनों क्षेत्रों पर। और व्यापगत नीति में क्या कहा गया कि अगर राजा स्वाभाविक अपने स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्षेत्र जो होगा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। और राजा को किसी भी मतलब राजा को गोद लेने का जो परंपरा है उसको बंद कर दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया इन दोनों क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा क्षेत्र था जो अंग्रेजों के कंट्रोल में आया, प्रत्यक्ष तौर पर जो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया और वहाँ के जो राजा है बिना अपने वास्तविक उत्तराधिकारी के उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहला जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर इसको मिटा दें, सबसे पहला जो क्षेत्र आता है इसको मिटा देते हैं, देखिए सबसे पहला जो क्षेत्र आता है वो संतारा है। संतारा ये कब हुआ, 1848 में ही, 1848 में ही इसके जो राजा थे वो बिना उत्तराधिकारी के उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे पहला जो इनका व्यापगत नीति यानी कि हड़प नीति का शिकार बनने वाला जो क्षेत्र था वो संतारा था, उसके बाद संभलपुर था, और उसके बाद और कई गो क्षेत्र आए जैसे झांसी उदयपुर जयपुर, ये सारे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। अब देखिए जनता का तो आक्रोश बढ़ा ही था, जनता का आक्रोश तो था ही अंग्रेजों पर, जो इन लोग नौटंकी कर रहे थे, अंग्रेजों पर सैनिकों का भी आक्रोश बढ़ा था। क्यों बढ़ा था, क्योंकि उनको 1857 की क्रांति की बात करें, क्योंकि इसके जस्ट बाद 1857 क्रांति आएगी। लोगों को देखिए बहुत इससे पहले बहुत कुछ चीज़ें भारत में अंग्रेज बैन कर चुके थे, ठीक, जब 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो उसको मैं विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज़ें इन्होंने ये लोग बैन कर चुके थे। तो बहुत सारे चीज़ें जब बैन कर चुके थे तो लोग तो विद्रोह में थे ही, सैनिक भी विद्रोह में आ गए, क्योंकि उनको भी उनके उनसे भी खिलवाड़ करा जा रहा था, उनके जो कारतूस थे उनमें जो कहा जाता था कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी भरा जा रहा था, और तो उनके धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ करा जा रहा था। साथ में ही यहाँ पर क्या करा जा रहा था, सारे राजाओं को ये लगने लगा था कि अब अंग्रेज क्या करेंगे, हमारे भी इसके बाद कोई और नियम लेकर आएंगे और हमारा भी क्षेत्र अंग्रेज क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो सारे राजा भी आक्रोश में थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्या हो गई, क्रांति हो गई। और 1857 की क्रांति को संभालने में अंग्रेजों को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि जब 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं कि अरे आराम से अंग्रेजों ने क्या कर लिया, 1857 को क्रांति को दबा दिया, आराम से नहीं दबाया था, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा था, समझ लीजिए। और एक मैच होता है ना, आप मैच देखें, मैच देखते हैं ना कि क्या होता है, एक रन से हार या जीत होता है, ठीक वही मैच था वो 1857 क्रांति, एक रन से हार या जीत हुआ था, ध्यान रखिएगा। हम लोगों को लगता है कि अंग्रेजों को, जिसके बाद वहाँ पर तुरंत निर्णय लिया गया और अधीनस्थ संघ नीति की स्थापना करी गई, अधीनस्थ संघ नीति क्या था, ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ संघ नीति लाया गया, कब लाया गया, 1858 में, 1858 में, 57 में तो युद्ध हो रहा था, 1858 में, और 1935 तक ये चला था, ठीक है, 1935 तक चला था। अब अधीनस्थ संघ नीति क्या था ये थोड़ा समझ लेते हैं, अधीनस्थ संघ नीति क्या था,
इस नीति के तहत जो भी हड़प की नीति थी या व्यापगत नीति थी इसको समाप्त कर दिया गया। इसको कहा गया कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब गोद लेने की प्रथा भी अब चालू कर दी गई। कब? 1858 में, क्योंकि 1857 में क्रांति हुआ था, अंग्रेज डर गए इससे, और 1858 में क्या करा गया, इसको अधीनस्थ संघ की नीति लाई गई जिसके तहत व्यापगत नीति को ख़त्म कर दिया गया। साथ में वहाँ की जो महारानी विक्टोरिया थी उसके द्वारा घोषणा किया गया कि अब किसी भी भारतीय राज्य को अंग्रेज प्रत्यक्ष तौर पर शासन नहीं करेंगे, उनसे टैक्स लेंगे लेकिन शासन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं करेंगे, किसी का भी क्षेत्र हड़प नहीं लिया जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा, अब निश्चिंत तो होकर जो भारतीय क्षेत्र हैं वो भारतीय राजा हैं वो अपना शासन चलाएँ, ये आश्वासन दिया गया। और जिसके बाद भारत में कई ऐसे काम करे गए जो भारत के उन्नति के लिए काफ़ी आगे बढ़े, जैसे भारत में उसी के बाद राजनीतिक कई कार्य करे गए, राजनीतिक कार्य में अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, राजनीतिक कार्य में जानते हैं क्या करा गया, रेलवे को जोरों शोरों से एकदम काम चालू कर दिया गया, डाक, फिर सड़क ये सब अंग्रेजों द्वारा, फिर पोस्ट ऑफिस की जो गति है वो तेज कर दी गई, ये सब चीज़ करा गया। मतलब इसी के बाद से ही अंग्रेजों ने भारत पर एक बढ़िया से थोड़ा ध्यान देना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो ये हम लोग का चैप्टर हो गया ख़त्म। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।